بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق मौज सामीन तलबा वालिबात असलकम वकू वर्क फॉर डे थ्री में आज का हमारा जो टॉपिक है इंसानी हकूक जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स अब ह्यूमन राइट्स क्या है अगर हम इस बात के बारे में आगाज़ ही में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा का जिक्र करें तो हमारी तमाम तर उलझने खत्म हो सकती हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बेटा हम ये बात समझते हैं कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल सल अल्लाह वसल्लम ने कह दी उसमें किसी किस्म का कोई शक क्या शक की गुंजाइश भी नहीं हो सकती लिहाजा अपने आखिरी खुतबा में जो आप सल्लल्लाहु सल्ला वालसलम ने नौ नौज़िलहजा को दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने क्या फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी अजमी को किसी अरबी पर या किसी काले को किसी गोरे पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं फ़ोकीत का मैार एक ही है और वह है तकवा इससे मुराद क्या है कोई शख्स कहीं भी रहता है किसी मुल्क में भी रहता है ख्वा वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है हिंदू है ईसाई है या नस्ली एतबार से वो पंजाबी है सिंधी है या वो एक हबशी है अंग्रेज है कोई भी नस्ल से ताल्लुक रखता है तो तमाम इंसान क्या है बराबर क्योंकि हम सब क्या हैं औलाद आदम तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है क्योंकि तमाम इंसान हजरत आदम सलाम की औलाद हैं और अम्मा हवा की औलाद हैं इसलिए ज़ात पात की बुनियाद पर रंग नस्ल की बुनियाद पर ना कोई आला है ना कोई अदना है और मैंने शुरू में अल्लाह के पैगम्बर सल्ला वसल्लम के फरमान के मुताबिक बात वाज़ कर दी कि आपने फ़रमाया किसी काले किसी गोरे किसी अरबी किसी अजमी किसी में कोई फ़र्क नहीं आला और अदना का मैार क्या है तकवा है और वो अल्लाह का खौफ है जो शख्स तकवा करता है वो अल्लाह है जो नहीं अख्तियार करता वो अदना है लिहाजा हर इंसान को बुनियादी हुकूक हासिल है और यह सब के लिए बराबर है जैसे जिंदगी गुजारने का हक हर शख्स को है खुराक का हुसूल हर शख्स का हक है आजादी हर शख्स का हक है ये बुनियादी जो हकूक हैं इनके हवाले से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अवाम मतहद जो कि 1945 में कायम हुई थी उसने अपने मंशूर में ये बातें दर्ज कर दी कि इंसानियत के, के दरमियान क्या करना है अमन कायम करना है इंसानियत को क्या देनी है तरक्की देनी है इंसानियत का क्या करना है हकूक का तहफ करना है इस इंसानियत को मुनजम और तंजीम वाला बनाना है ये सारे काम अम मत ने जो अपने मंशूर में रखे ये सारे के सारे बेटा क्या थे ये सब के सब आप सल्लाम ने उम्मत मुसलमा को आज से चौदह सौ साल पहले सिखा दिए लिहाजा जब हमें ये बात समझ आ गई कि तमाम इंसान बराबर हैं तमाम औलाद आदम हैं हजरत आदम आसम की औलाद हैं लिहाजा तमाम लोगों के बुनियादी हकूक भी एक दूसरे जैसे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है इसी तरह इंसानी हकूक जो हैं उनको एक मैार बनाया गया वो मैार है जो तमाम इंसानों के इज्जत वकार शोहरत का तहफ़ करते हैं इनके तहत तमाम इंसान यकसा किस्म की बुनियादी जरूरियात और सहूलियात के हकदार होते हैं जिस तरह एक अमीर को एक रियाती वसील, वसायल यानी सड़क इस्तेमाल करने की इजाजत है उस मुल्क में पानी के इस्तेमाल की इजाज़त है कुदरती वसायल के इस्तेमाल की इजाज़त है इस तरह एक गरीब का भी वही हक है एक मुसलमान का अगर वो हक है तो एक गैर मुस्लिम का भी वही हक है एक नस्ली एतबार से अलग शख्स का वो हक है तो दूसरी नस्ल का भी वही हक है अगर एक वजीर का वो हक है तो एक कॉमन मैन का भी वही हक है लिहाजा इंसान खा किसी भी मजहब का पैराकार हो किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता हो हर हुकूमत का अवलिन फर्ज है कि उनके हकूक की फ्राहमी करे और तहफ़ करें उसको यकीनी बनाए उनको महफूज रखे ताकि तमाम लोग जो हैं, वो अपने बुनियादी हकूक हासिल करें और ये क्या है ये हुकूमत का सबसे बुनियादी फर्ज होता है कि अपने तमाम शहरीों को तमाम लोगों को उनके हकूक फ्राहम करे अगर तमाम लोगों को हुकूक हकूक फ्राहम नहीं कर रही तो वो हुकूमत अपने फराइज पूरे नहीं कर रही इस तरह चंद एक बुनियादी इंसानी हुकूक है बेटा जिनकी बुनियाद पर एक इंसान जिंदगी गुजारता है और उन्हीं बुनियादी हकूक को जिसे हमने बात की कि इंसानी हकूक यानी ह्यूमन राइट्स को अव मतहद ने अपना मंशूर बनाया उनमें सबसे पहला क्या है आजादाना जिंदगी गुजारना कि एक शख्स जिस मुल्क में रहता है जिस मुल्क का शहरी है जिस मुल्क का सिटीजन है जिसके पास वहां की शहरीत मौजूद है उसे आजादाना जिंदगी गुजारने का हक हासिल है कि वो आजादी से जिंदगी गुजारे उसमें किसी किस्म का कोई भी मामला हो उस हवाले से उस मुल्क में रहते हुए वो एक आजाद शहरी है लिहाजा इस दुनिया में रहते हुए तमाम लोग जो है वो अपने इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी बात हमने आज के लेक्चर के शुरू में बात की कि तमाम इंसान बराबर हैं और ये बात हज़रत आदम सलाम से शुरू हुई अल्लाह के पैगंबर ने अपने आखिरी खुतबा में भी ये बात वाज़ह फरमा दी कि तमाम इंसान रंग व नस्ल जुबान और के अतबार से सब बराबर हैं कोई किसी इलाके में रहता है किसी शहर में रहता है किसी जगह रहता है वो क्या है दूसरे इंसानों के बराबर है और मैार सिर्फ क्या है तकवा इसी तरह हर शख्स को मजहबी आजादी हासिल है और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में तमाम मजाहब के लोगों को अपनी अपनी मजहबी आजादी है जबकि हमारे चंद हस, हमसाया मुमालिक में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं है मुसलमानों को मजहब की वजह से तशद का निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को लाला पढ़ने पर सजाएं दी जा रही हैं मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है आज हम देखते हैं इंटरनेशनल तौर पर हमारे मीडिया पर बेटा हमारे सामने न्यूज़ आती हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ये म किया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों पर उन्होंने क्या ज़ुल्म ढाए हैं और आज भी उन पर तसलु कायम किया हुआ है तो क्या है कि कोई भी शख्स जो है उसको मज़हबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए जिस तरह हमारी रियासत मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तमाम मजाब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी है वो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत में हैं बल्कि सबसे ज्यादा तादाद यहाँ पे मुसलमानों की है बहुत मामूली तादाद में यहाँ पे ईसाई हिंदू या सिख मौजूद हैं लिहाजा उनकी यहां पे मामूली तादाद होने की हैसियत से भी हम देखें अगर हम अपने शहर लाहौर में ही देखें तो ईसाइयों के इबादत की जगह जो हैं इबादत गाहें जो हैं वो मौजूद हैं उन्हें इबादत की इजाजत आजादाना दी जाती है क्या आप अपनी इबादत गाह के अंदर रहते हुए अपनी हदूद में रहते हुए अपनी मजहबी आजादी का तो अपनाएं मजहबी उमूर को आप अपने तरीके से अपनाएं। लेकिन क्या है बात वही आ जाती है कि हमारे मुल्क में तो ऐसा है लेकिन इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो अकवाम मतहद दूसरे ममालिक में मुसलमानों के हकूक के हवाले से उतनी सरगर्म नहीं है और मुसलमानों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं हालांकि इंसानी राइट्स में यह सबसे अहम चीज है कि किसी भी शख्स को मजहबी आजादी हासिल होनी चाहिए इसी तरह कोई भी शख्स है उसको तालीम हासिल करने का हक हासिल है यहां भी अगर कोई इसी है तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम क्रिश्चियन हो तुम यहां पढ़ नहीं सकते बल्कि क्या है उसका यह बुनियादी हक है कि उसको तालीम हासिल करने दी जाए वो तालीम हासिल करेगा एक अच्छा शहरी बनेगा एक अच्छा शहरी बनेगा एक अच्छा पाकिस्तानी कहलाएगा लिहाजा इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है कि इंसानों के हकूक का तहफ़ किया जाए वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखते हैं और गुज्त डे में मैंने आप लोगों को हजरत हज़रतली रजी अल्लाह तन के हवाले से बयान किया था कि उन्होंने जब कुफार को पानी पीने की इजाज़त दे दी थी तो हम बात कर रहे हैं कि इंसानी हकूक में से तालीम जो है हर एक का हक है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है किसी भी जुबान से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी सकाफत से ताल्लुक़ रखता है पंजाबी है तो फिर भी तालीम हासिल कर सकता है हिंदू है चाहे वो पाकिस्तान में रहता है वो हिंदी बोले या उर्दू बोले उसे तालीम हासिल करने का हक है सिंधी है तो वो भी तालीम हासिल करने का हक रखता है बलोची है तालीम हासिल करने का हक रखता है हती के पाकिस्तान के किसी भी सूबे का कोई भी शहरी जो कि एक पाकिस्तानी कहलाता है तो पाकिस्तानी रियासत का ये फर्ज है कि उसके हकूक को पूरा करे उसे तालीम हासिल करने का हक दे इसी तरह तमाम इंसान जो है कानून की नजर में बराबर है कोई मुस्लिम है गैर मुस्लिम है कोई अमीर है गरीब है कानून की नजर में सब बराबर है जिसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से चौदह सौ साल पहले बेटा क्या बात बयान कर दी थी वाक्य आपने कई बार अपने उस से सुना होगा अपने वाले से भी यह बात सुनी होगी कि अल्लाह के पैगम्बर सल्ला के दौर में एक फातमा की औरत ने चोरी के जुर्म में मुर्त पाएगी जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहि अलाम के पास मामला पहुंचा तो सहाबा ने आप अलैहि अलाम से सिफारिश की ये से ताल्लुक रखती है इसको मुआफ कर दिया जाए ताकि तो लिहाजा आप सल्लाह ने क्या फरमाया आपने गुस्से के अंदाज में यह अल्फाज फरमाए कि बनी इसराइल के लोग इसीलिए तबाह हो गए थे कि वो अमीर को छोड़ देते थे और गरीब पर कानून कानून लागू कर देते थे तो देखिए कानून जो है उसकी नजर में तमाम इंसान बराबर हैं कोई अमीर है या गरीब है जब किसी रियासत में कानून नहीं होगा वो रियासत ज्यादा देर पर तक नहीं रह सकेगी उस रियासत में जुल्मों से का बाजार गर्म रहेगा उस रियासत में लोगों को उनके हकूक हासिल नहीं होंगे इसलिए क्या है किसी भी रियासत का शहरी है वो कोई भी है अमीर है गरीब है बेटा उसको क्या है कानून की नजर में सब के सब बराबर है इसी तरह कोई शख्स किसी मुल्क में रहता है तो उस मुल्क की हदूद के अंदर उसको आजादाना नकलोह हरकत का हक है हम लाहौर में रहते हैं तो ये हमारा राइट है कि हम पूरे मुल्क पाकिस्तान में आजादाना घूम सकें क्योंकि हमारे आईडी कार्ड पे आइडेंटिटी कार्ड जो है उस पर पाकिस्तानी लिखा है ना सिर्फ पंजाबी लिखा है तो जब हम पाकिस्तानी हैं तो हम सिंध में भी जा सकते हैं हम बलोचिस्तान भी जा सकते हैं हम इस्लाम आबाद भी जा सकते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा भी जा सकते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान भी जा सकते हैं यानी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा यह राइट है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर हम कहीं भी आजादाना तौर पर नकलोहमल कर सकते हैं इसी तरह हर इंसान को इजहार राय का हक है और तकरीर का हक है कि वह अपनी जुबान का इस्तेमाल करे और अपनी राय का इजहार खुले दिल से करे तो देखें इंसानी क्या हैं इंसानी बुनियादी हुकूक कौन से हैं जिन हुकूक को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा आप तालीम हासिल कर रहे हैं तालीम हासिल करने का मकसद क्या है कि आप एक पाकिस्तानी हैं आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए कि बीइंग आप पाकिस्तानी आप सिटीजन हमारे क्या क्या राइट्स हैं जब हम राइट्स नहीं जानेंगे तो हम पे जुल्म होता रहेगा जब हम राइट्स नहीं जानेंगे तो दूसरा हमारे राइट्स का इस्तेमाल करता रहेगा जब हमें राइट्स का पता नहीं होगा तो हम अपने राइट के लिए फाइट भी नहीं कर सकते तो क्या है कि जब हम राइट्स सीख जाएंगे तो तब हम अपने राइट्स के लिए फाइट भी करेंगे तो बेटा सबसे पहली बात कि अगर हमें अपने हकूक़ का पता है तो इन हकूक़ को हासिल करने के लिए हमें दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए दूसरों के हकूक का एहतराम करना चाहिए दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए अगर हम दूसरों को उनके हकूक़ फ्राहम करेंगे तो हमारे हकूक भी हमें लोग फ्राहम करेंगे इस तरीके से हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि हम अगर अपने राइट्स हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों के राइट्स पूरे करते रहें जिसकी बिना पर क्या होगा कि हर शहरी को उसके बुनियादी हकूक हासिल होंगे और वो एक अच्छा शहरी कहलाएगा और अच्छा शहरी होने की हैसियत से हम हमें क्या है हम उन राइट्स को इस्तेमाल भी प्रॉपर अंदाज से करें अच्छे तरीके से करें ताकि हम अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा शहरी कहला सकें इसीलिए आपकी बुक में चंद चीज़ें उसने आपको अपने राइट्स के इस्तेमाल के हवाले से बाजें की हैं उसने क्या दुनिया क्या है आजकल आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ग्लोबल विलेज है आप एक डिजिटल शहरी हैं डिजिटल शहरी होने की वजह से आप बरकी मुआसलात का इस्तेमाल करते हैं जब आप बरकी मुआसलात का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ताल्लुक पूरी दुनिया से जुड़ा होता है और अगर आपका ताल्लुक बेटा पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है तो आपको अपने राइट्स के साथ साथ दूसरों के राइट्स का ख्याल रखना जरूरी है और बच्चों को इंसानी हुकूक का पता होना जरूरी है आज अगर आप फोर क्लास में ये बातें सीख जाएंगे तो बड़े होने तक आप अपने राइट्स को याद रखेंगे और अगर याद रखते हैं तो आप अपने राइट के बारे में बात भी कर सकेंगे तो इसलिए क्या है बहुत जरूरी है कि आप अपनी बुक को खोलें उसके सफ़ा नंबर तीन पे जाएं, वहाँ पे इंसानी हुकूक लिखे हैं इंसानी हुकूक में तमाम बातें लिखी हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं इंसान के बुनियादी हुकूक क्या हैं इंसानी हुकूक जो है इसको एक मेार बनाया गया है एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और किसी भी हुकूमत का सबसे अवलिन फ़र्ज होता है कि अपने शहरीों को वो बुनियादी हकूक़ हासिल फम करे और अगर वो शहरीों को बुनियादी हकूक़ फ्राहम करता है तो एक शहरी के बुनियादी हकूक़ क्या क्या हैं जो मैंने आपके सामने लिखे भी हैं और आपको बोल कर भी बताए हैं तीसरी चीज़ आपकी बुक के सफ़ा नंबर तीन पर वो दिए गए हैं और सफ़ा नंबर चार तक वो चल रहे हैं जिनमें आप ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल सीख जाएंगे लिहाजा आपने इनको पढ़ना भी है और इस पर अमल भी करना है और उसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखना है वर्क फॉर डे थ्री हमारा मुकम्मल हुआ अल्लाह हाफिज़ मज़द सामीन तलबा वालिबा असलकुम वर्का वर्क फॉर डे फोर के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है शहरीों की जिम्मेदारियाँ कि शहरी जो है अगर वो एक मुल्क में रहता है वो वहां पर रहते हुए अपने राइट्स को जानता है जो हमने गुजशता लेक्चर में बात की तो राइट्स को जानने के साथ साथ उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए और जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का इल्म होगा तो आइए आज हम बात करते हैं कि एक शहरी की एक मुल्क के बशिंदे की एक सिटीजन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिम जिम्मेदारियों को पूरा करना उस पर लाजिम है लिहाजा आप अपनी बुक का पेज नंबर फोर निकाल लें वहां पे आपको एक टॉपिक दिया गया है शहरियों की जिम्मेदारियां तो उसने बेट देखिए बेटा लिखा है हुकूक के साथ साथ शहरियों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने या मुकम्मल करने को जिम्मेदारी कहते हैं या फर्ज कहते हैं जब आपको कोई काम कोई टास्क दे दिया जाए तो अगर आप उसे मुकम्मल अंदाज से और दुरुस्त तरीके से पूरा करते हैं तो आपने क्या किया आपने अपना फर्ज पूरा किया है आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और यही एक शख्स की जिम्मेदारी होती है तो चंद अहम जिम्मेदारियां ये हैं सबसे पहली चीज कोई भी शहरी जो है वो जिस मुल्क में रहता है जिस मुल्क का बाशिंदा है उसको उस मुल्क का वफादार होना चाहिए और वफादारी को असूल क्या है कि उस मुल्क में रहते हुए वो अपने आप को इस हद तक तैयार करे कि अगर मेरे मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा यह है वफादारी का उसूल जिसे हम आम जुबान में हुबुल वतनी भी कहते हैं और उसको पेट्रोटिज्म भी कहा जाता है तो देखिए जब इंसान अपने मुल्क के साथ वफादार होगा तो ही वो इस बात का हकदार है कि वो अपने हुकूक जो है उस रियासत से हासिल कर सके इसी तरह अगर एक शख्स अपने मुल्क का वफादार है तो उसे उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करना भी लाजिम उस मुल्क के जितने भी कवानी हैं वो चाहे उस मुल्क के ट्रैफिक के कवानीन हैं या उस मुल्क के रोड्स के असूल बनाए गए हैं या उस मुल्क में रहते हुए दूसरे उमूर के लिए कवानी बनाए गए हैं देखिए जैसे आज मैं एक मामूली सी मिसाल देता हूँ कि हमारे मुल्क में एक वबा की वजह से ये कानून बना दिया गया कि हर शख्स जो है अपनी सेहत के तहफ के लिए मास्क पहने तो देखें ये अगर रियाती तौर पर हमें कोई हुक्म मिला है तो हमें उसकी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए इसी तरह अगर ट्रैफिक के कानून हैं तो सिग्नल्स लगे हुए हैं तो अगर रेड सिग्नल है तो हमें कानून की पासदारी करते हुए वहाँ पर रुकना चाहिए अगर सड़क पार करनी है तो रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो बनी होती है वहां से सड़क पार करें इसी तरह हमारे मुल्क में आला मेयार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ऑरेंज ट्रेन है मेट्रो बस का सिस्टम है या दूसरे निजाम जो हैं। आप बस स्टॉप पे जाते हैं तो आप कतार में खड़े हो या अगर बस का इंतजार कर रहे हैं तो इस अंदाज से करें जिस अंदाज से आपको कहा गया है जो कानून बनाया गया है आप कहीं भी हैं स्कूल में हैं घर में हैं सड़क पर हैं किसी बस स्टॉप पर हैं किसी जगह भी हैं तो सफाई का खास ख्याल रखें ये ये क्या है ये कवानीन है और इनमें से बहुत से ऐसे कवानी जो मुल्की कवानीन होने की हैसियत के साथ साथ हम मुसलमान हैं तो अल्लाह के पैगंबर ने वो आज से चौदह सौ साल पहले ही हमें सिखा दिए उसके बाद दूसरों के हुकूक और उनकी राय का एहतराम करना उनके अकीदे का एहतराम करना ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी। देखिए हमने बात की थी शहरी की जिम्मेदारी उसमें शहरी हमने क्या पढ़े एक आम शहरी है एक आलमी शहरी है एक डिजिटल शहरी है तो देखिए दूसरों के अकीदे का ख्याल रखना आप मुसलमान हैं तो इस्लाम इस बात की तालीमात देता है कि आप के अकीदे का एहतराम करें उसको अपनाए नहीं लेकिन उसका एहतराम इसी तरह एक गैर मुस्लिम की जिम्मेदारी क्या है कि वो मुसलमानों के अकीदे का एहतराम करें मुसलमानों के राइट्स का एहतराम करे मुसलमानों की राय का भी एहतराम करे और हमें भी क्या चाहिए कि मुसलमान हिंदू सिख इन तमाम चीजों से हटकर एक इंसान होने की हैसियत से हम दूसरे इंसान के हुकूक का ख्याल रखें उसके साथ साथ ईमानदारी से टैक्स देना देखें बेटा आप अभी छोटे हैं लेकिन आज अगर आप इस उसूल को समझेंगे कि रियास्ती सतह पर जो आपके लिए टैक्स मुतिन किए गए हैं वो टैक्स आप ईमानदारी से पे करें जिससे क्या होगा आपके मुल्क का जो सालाना बजट है जो आपके मुल्क की इकोनमी है मीशत है वो स्ट्रोंग होगी मीशत स्ट्रोंग होगी हमारा मुल्क तरक्की करेगा हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ हमारा मयार जिंदगी भी बदलेगा लिहाजा एक अच्छे शहरी के जो फ़्राइज हैं जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं उनमें ये भी बात शामिल है कि वो ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करें उसके साथ साथ जितने अवामी मकामा हैं उसमें पार्कस आते हैं उसमें हमारे बस स्टैंड आते हैं रेलवे स्टेशन हैं हवाई अड्डे हैं या सड़कें हैं इन तमाम चीज़ों का क्या करें सफाई का ख्याल रखें आप कहीं भी खड़े हैं आप सफाई का एक बेहतरीन ख्याल रखें क्यों उसके बगैर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती इसी सफाई के हवाले से आज से 1400 साल पहले अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया फरमायामान सफाई नमान है ईमान का हिस्सा है आधा ईमान इसको कहा गया है तो बीइंग बींग मुस्लिम हम इसी उसूल को ही अपना लें कि हम मुसलमान हैं और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्हेम ने यह हमें हुक्म दिया है कि सफाई का ख्याल रखें और यही चीज एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारी में इसी तरह जो मुल्की वसाइल हैं जिसमें पानी है बिजली है गैस है या दूसरे वसाइल हैं रोड्स हैं तो उनका एहतियात से इस्तेमाल करें देखिए ना अगर मैं एक ही मिसाल दे दूं कि सल्लल्लाहु हजूकम वसल्लम ने अपने सहाबा को ये बात कही कि पानी जो है इसका इस्तेमाल इतने एहतियात से करें कि आपने वज़ू भी करना है और आप समंदर के किनारे भी बैठे हैं तो आप उसको म्याा रवि से इस्तेमाल करें तो देखें आज अगर हम बेजा पानी का जिया करेंगे तो इसका मतलब क्या है हम अल्लाह के रसूल के अहकाम के भी खिलाफ हैं और अपने मुल्की वसाइल को भी तबाह कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात बेटा क्या है कि आपने अपने मुल्क वसायल का ख्याल रखना है आपने अपने मुल्क वसायल को एहतियात से इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत है इस्तेमाल करें लेकिन उस ज़रूरत से ज़ायद उसको ज़ाया करें तो वो ना हमें इस्लाम इजाज़त देता है और ना हमारा रियासती कानून हमें इजाज़त देता है तो देखिए ये चंद एक मैंने आपको बेटा जिम्मेदारियाँ बताई इसके साथ साथ कई किस्म की जिम्मेदारियां आपको तो घर पर रहते हुए आपको तो मोहल्लेदारों में रहते हुए आपको अपनानी चाहिए दूसरों के साथ अच्छे रवैये से पेश आए हमसायों का ख्याल रखें सड़क पार करते हुए आप बुजुर्गों का ख्याल रखें बस में सफर करते हुए अगर को आपसे बड़ा आ जाता है तो आप उसको सीट दे दें ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो एक इंसान जो है उसके अंदर इनका पाया जाना बहुत ही लाजिम है और इन जिम्मेदारियों का एहसास हमें हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद और इस्लाम ने अपनी तालीमात के जरिए दिया लिहाजा इन जिम्मेदारियों को पूरा करना हम सब पर फर्ज है आगे हम बेटे देखते हैं पेज नंबर फाइव पे आप आए उसने कहा है मैंने सीखा है क्या सीखा है कि हर की आलमी और डिजिटल शहरी दूसरों के हकूक का के तहफ का ज़िम्मेदार होता है। इंसानी हकूक वो मैार हैं जिनके तहत तमाम इंसान यकसा बुनियादी जरूरियात और सहूलियात के हकदार होते हैं। हकूक़ के साथ साथ हर शहरी की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं जो अभी हम सीख चुके हैं और ज़िम्मेदारी कहते किसे किसी भी काम को दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देने या मुकम्मल करने को जिम्मेदारी कहा जाता है उसके बाद उसने कहा है मेरे कर काम क्या हैं? पहला सवाल उसने आपको दिया दिए हुए सवालत के मुख्तर जवाब दें तो देखिए बेटा सबसे पहले उसने आपको कहा है शहरीत की तारीफ करें तो हमने शहरीत की तारीफ के हवाले से पहले सफे पर पड़ा है कि कोई भी फर्ज कोई भी फ़र्द जो जिस मुल्क में रहता है वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है उस मुल्क के सियासी माशर्तीशी और दीगर हुकूक हासिल करने का वो हक़ रखता है और उसे उसकी शहरीत कहते हैं उसका शहरी है सिटीज़न है तो आपके पेज की नंबर वन पे उसने आपको शहरी की तारीफ दी है और इसे ही शहरीत भी कहा जाता है दूसरी चीज उसने आपको बेटा कही है कि आलमी शहरी और आलमी शहरी में क्या फर्क है एक शहरी वो होता है जो एक ही मुल्क से ताल्लुक रखता है वहीं पैदा हुआ वहीं बड़ा हुआ वहीं से तालीम हासिल की वहीं अपने हकूक हासिल किए वहीं अपने वराइज पूरे किए और अपनी पूरी जिंदगी लेकिन एक आलमी शहरी कौन होता है आलमी शहरी वो होता है जो पैदा किसी और मुल्क में होता है जबकि वो दूसरे मालिक के आलमी मामलत के बारे में आगाही रखने के साथ साथ दूसरे मुल्कों में बगैर रंग नस्ल का ख्याल रखे हुए इंसानियत की मदद करने के लिए जाता है और वहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारने के बाद उन लोगों की मदद करता है उसे वो अपने शहर की अपने मुल्क की शहरीत भी मिली होती है वो दूसरे मुल्क में रहता है वहाँ भी उसको इनाम से नवाजा जाता है वहाँ वो अपनी खिदमत पेश करता है तो उसे आलमी शहरी कहते हैं यह आपके पेज नंबर वन के आखिरी सफ़ा पर आपको दिया गया है आलमी शहरी और उससे पहले सिटीज़न की हम शहरी की तारीफ पढ़ चुके हैं दूसरा है शहरीों को हक़ूक़ फ्राहम करना किसकी जिम्मेदारी है ये बात हमने वर्क फॉर डे थ्री में पढ़ी कि शहरियों को हकूक फ्राहम करना उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और ये बात हमने कहाँ पे पढ़ी है कि पेज नंबर जी थ्री पर इंसानी हुकूक के दूसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइनों में लिखा है इंसान ख्वा किसी भी मज़हब का पैरोकार हो या किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो हर हुकूमत का अवलिन फ़र्ज है कि वो इन हकूक़ के फ्रहमी और तहफ़ को यकीनी बनाए तो शहरीों को जो हकूक़ हैं उनको पूरा करना हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है दूसरा बेटा उसने आपको सवाल दिया है दिए हुए सवालत के तफसीली जवाब लिखें तो अपने घर में आपको क्या क्या हकूक हासिल हैं घर में आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं तो देखें आप अपने घर की हद तक आपके हकूक़ क्या हैं? यानी वालदे आपके तमाम राइट्स आपको देते हैं आपको तमाम चीजें फ्राहम करते हैं खुराक आपको दी जाती है लिबास आपको फराहम किया जाता है आपको तालीम का हक है आपको बोलने का हक है ये तमाम हुकूक जो हैं वो आपने लिखने हैं इसके साथ साथ आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ लिखनी हैं कि घर में रहते हुए वालदन की खिदमत करना हमारी ज़िम्मेदारी है वालदे का कहा मानना हमारी ज़िम्मेदारी है वक्त पर अपने अमूर को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है रियाती कवानीन को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है यानी चंद एक आपने अपनी िमेदारियाँ लिखनी हैं दूसरी बात उसने कही है डिजिटल या साइबर शहरी कौन होता है इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं तो देखें बेटा ये पेज नंबर टू पे आप आए वहां पे आपको लिखा हुआ है मिलेगा डिजिटल या साइबर शहरी तो एक पैराग्राफ में डिजिटल या साइबर शहरी लिखा गया है उसके नीचे डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियां बयान की गई हैं और ये आपको लेक्चर नंबर टू में मैंने एक्सप्लेन की थी इसको आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखना है आगे देखिए बेटा उसने आपको कहा दो आलमी शहरियों के बारे में मालूम दी हुई जगह में लिखें और तस्वीर चस्पा करें आज के दिन में तो ये इस मॉडर्न और डिजिटल दौर में हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रह गया एक के बारे में तो आपके पेज नंबर टू पर आपको बयान किया गया है डॉक्टर रुथ फाउ के हवाले से आप उसकी तस्वीर भी नेट से हासिल कर सकते हैं और उसके मुल्क का नाम के उसका नाम क्या है डॉक्टर रोत रुथ फो और मुल्क उसका कौन सा था वो एक जर्मनी का बाशिंदा था उसने खिदमत क्या पेश की? कि पाकिस्तान में उसने 57 सेवन ईयर तक मरीजान जजाम जो थे उनकी उसने खिदमत पेश किएं कि जितने भी लोग कोढ़ की बीमारी के मरीज थे उनका इलाज करने में उसने सर्फ किया इस तरह आप दूसरी जगह पर जो है वो एक पाकिस्तानी जिसका नाम अब्दुस्तार इदी लिख ले मुल्क उसका कौन सा है पाकिस्तान है खिदमत क्या है कि उसने पूरी दुनिया में इंसानियत के हकूक के हवाले से इंसानियत की मदद की है उसके आगे उसकी तस्वीर लगा दें इसी तरह एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से आपके तीन बड़े फ्राइज क्या हैं फ्राइज से मुराद क्या जिम्मेदारियाँ क्या हैं और यही बात हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं आपके इसी लेक्चर में हमने बात की है कि एक मुल्क पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें अपने मुल्क से वफ़ादार रहना है दूसरा काम क्या करना है उसके कवानी की पासदारी करनी है तीसरा काम क्या करना है कि यहाँ पर रहकर ईमानदारी से टैक्स पे करना है यहाँ के वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना है तो आप कोई से तीन इसमें से बड़े फ्राइज लिख उसके बाद बेटा उसने आपको कहा है कि हमारे करने का काम क्या है आपको एक्टिविटीज दी गई हैं एक तलब इलम की हैसियत से अपने हकूक और जिम्मेदारियों फ्राइज के एक चार्ट बनाएं कमरा जमात में आवेज़ा करें आपको अपने क्लासरूम में लगाएं इंटरनेट लिंक इंसानी बुनियादी हकूक़ के बारे में मज़ीद जानने के लिए दी हुई वेबसाइट का मुलाहजा करें आप डिजिटल शहरी हैं आप नेट पे ये लिखेंगे आपको इंसानी राइट्स के हवाले से वजाहत मिलेगी उसके बाद आप जो हैं वो ग्रुप्स बनाकर कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राज़ के हवाले से आगाही फ्राम कर सकते हैं लिहाजा ये आज का जो टॉपिक है जो वर्क फॉर डे फोर है ये बेटा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें आपने ना सिर्फ एक शहरी के ज़िम्मेदारियों के और फ़रज़ के बारे में पढ़ा है बल्कि आपने पिछले पूरे तीनों लेक्चर्स जो हैं उनकी रिवीजन भी की है कि उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है शहरी कौन होता है शहरीत की तारीफ क्या है आलमी शहरी कौन है और डिजिटल शहरी कौन है डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियां क्या हैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं ये पिछले जो तीन दिन के लेक्चर्स थे उनका ख़ुलासा भी आज आपने इसी लेक्चर में पढ़ा है तो ग़ौर से सुनिएगा कोई बात ना समझ आइए तो आप हमसे रबता कर सकते हैं वर्क फॉर डे फोर के लिए आज का हमारा वक्त मुकम्मल हुआ अल्लाह हाफिज़